स्टैटिस्टिकल फॉर्मूले जो होते हैं अपने इसमें, चलिए एवरेज वगैरह के जो अपने फॉर्मूले होते हैं स्टैटिकल में आते हैं सारे, काउंट टेप एवरेज डिप। तो हालांकि काउंट टेप समय मैं पहले भी समझा चुका हूँ, तो इसका पार्ट है, तो मैं एक बार आपको और भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले जैसे एवरेज निकालने के लिए आपके पास एवरेज का फॉर्मूला होता है, तो एवरेज निकाल देता है, ठीक है जी। एक होता है एवरेज के, इसमें आप कहेंगे कि एवरेज में अल्फाबेटिक क्या निकालेगा, कि अल्फाबेटिक उसके लिए होता है। तो इसका डिफरेंस देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको ये हटा देता हूँ, एक नॉर्मल एवरेज से लेता हूँ। यहाँ पे जो अपने लॉजिकल वैल्यूज होती है ना, ट्रू फॉल्स, उनको देखते हैं। इसकी रेंज में मैं इसको भी बढ़ा लेता हूँ, ठीक है जी। 45.76 कुछ दिखा रहा है, और एवरेज ए में दिखाएंगे हम सेम चीज, इसमें 42 कुछ दिखा रहा है। फर्क क्या है कि ये जो ट्रू है ना, वन की तरह लेता है। अगर मैं यहाँ पे वन रहने दूंगा तो दोनों का रिजल्ट सेम आ जाएगा, ठीक है जी। तो ट्रू को वन की तरह लेता है और फॉल्स को जीरो की तरह लेता है। जो ए वाले फंक्शंस हैं वो इसको कवर करते हैं, जैसे एवरेज और एवरेज ए, ठीक है जी। इसी तरह से एवरेज इफ होता है आपका। एवरेज इफ किसी कंडीशन के बेस पे एवरेज निकालना हो आपने, जैसे हम सम इफ करते थे, ऐसे ही एवरेज इफ भी होता है। तो मैंने कहा कि इनकी एवरेज कितनी है, तो एवरेज इफ लगाऊंगा जिसमें मैंने रेंज लेनी है, क्राइटेरिया लेना है। पहले वो रेंज लेनी है जिसमें से मुझे क्राइटेरिया लेना है। तो मैंने नामों की रेंज ले ली है, क्राइटेरिया यहाँ से ले लिया। अब एवरेज सेम सेम सम इफ की तरह होता है। देन आपका एवरेज इफ्स, जैसे एक कंडीशन में डाल देता हूँ वही ग्रेटर देन 50 वाली, ठीक है जी। तो एवरेज इफ्स जब आपके दो क्राइटेरिया दो से ज्यादा होते हैं, तो इसमें सम इफ्स की तरह ही पहले एवरेज रेंज ले लेता है, ठीक है जी। जो एवरेज होनी है वो पहले रेंज देते हैं, देन क्राइटेरिया वन रेंज और क्राइटेरिया वन। तो क्राइटेरिया वन रेंज ये है, क्राइटेरिया वन ये है, क्राइटेरिया रेंज टू ये है, और क्राइटेरिया टू हम ये ले लेते हैं। तो इसके बेस पे एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है। सम इफ की तरह ही होता है। और हाँ, इसमें जो हम एवरेज ये जो क्राइटेरिया डालते हैं ना, इसमें इसमें स्टार और क्वेश्चन मार्क का जो हमने डिस्कस किया था वो सब भी यूज कर सकते हैं। देन काउंट वाले भी सारे फंक्शन मेरे ख्याल से मैं एक बार करवा चुका हूँ, काउंट वाले सारे फंक्शन अपने इसमें ही आते हैं, ठीक है जी। ये काउंट करके देते हैं आपको। काउंट अकेला जो होता है वो मतलब नंबर्स को ही काउंट करता है, रेंज बढ़ा दूं तब भी 13 ही दिखा रही। काउंट एक अल्फाबेटिकल उसके साथ में काउंट करता है, 14 दिखा रहा है, ठीक है जी। काउंट इफ आपका कंडीशन के बेस पे करता है कि आपकी रेंज है, और इसमें मैं क्राइटेरिया दे देता हूँ कि इसमें ग्रेटर देन 50 कितने हैं, ठीक है जी। तो कंडीशन के बेस पे काउंट, काउंट इफ्स जो है इसमें मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं, कि जहां से मैं क्राइटेरिया ले लिया संदीप, और इसमें से क्राइटेरिया रेंज ले ली भाई ग्रेटर देन 50 वाली, तो ऐसे रिजल्ट कितने वो काउंट करके बता दे रहा, ठीक है जी। ग्रेटर देन 50 में एक ही वैल्यू ऐसी आ रही है। तो
काउंटर और काउंट ब्लैंक जो होता है वो आपका ब्लैंक कितने हैं उनको काउंट करता है। इसमें ब्लैंक कोई नहीं, पर अगर कोई ब्लैंक आता है तो ये ब्लैंक बता देगा आपको काउंट करके, ये ब्लैंक आ गया। ठीक है जी, आगे देखते हैं इसके अंदर स्टैटिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बट कोर स्टैटिक्स है उसके उसको नहीं बता पाऊंगा मैं। ठीक है जी, जो नॉर्मल है जो हमारे यूज के हैं वो बता दूंगा उसे। आपको इसमें से मैक्सिमम नंबर निकालना हो, ठीक है जी, तो मैक्स का फॉर्मूला पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैक्स मैक्सिमम नंबर निकाल देता है। मैक्स ए वही ट्रू वाला आपके साथ है, अल्फाबेटिक को भी लेता है मैक्स ए, उनमें से जो मैक्सिमम होगा, अगर यहाँ जीरो होता तो वो ट्रू का ही रिजल्ट निकाल के देता। ठीक है, इस तरह से आपका बिन करके जो मिनिमम निकालता है, इनमें से मिनिमम वैल्यू निकाल देगा। मिन ए जो है वो मिनिमम अल्फाबेट, मिनिमम वाला अल्फाबेट निकाल देगा, तो हमारे पास यहाँ पे ट्रू मिनिमम है, वन दिखा रहा है, वैसे 10 आ रहा है तो मिन ए में 1 आ रहा है। इसके अलावा कैसे फंक्शन है इसके अंदर रैंक निकालने के आपके काम है, जैसे हमने इसमें से निकालना है जैसे टॉप 10 की बात हुई, टॉप 10 नंबर्स निकालने हैं तो कौन से होंगे, टॉप 10 जैसा निकालना है या टॉप 5 निकालना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ 5 तक लिख लिया। ठीक है जी, उसके बाद मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या निकालने, लार्ज वाले, लार्जेस्ट। हमारे पास दो तरह के फॉर्मूले होते हैं, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के लिए, एक लार्ज का और एक स्मॉल का। तो लार्ज के फॉर्मूले में पहला मानता है एरे, एरे वो होगी पोजीशन जिसमें मतलब सारी रेंज होंगी आपकी, और देन के, के मतलब कौन सा लार्जेस्ट, फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट। ठीक है, तो के मैंने यहां उसके आगे से लिखा, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट बन गई। तीन पैरामीटर स्मॉल के फॉर्मूले में भी लगते हैं, बट ये क्या करता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको देता है, फर्स्ट स्मॉलेस्ट, सेकेंड स्मॉलेस्ट, थर्ड स्मॉलेस्ट, तो स्मॉल करके निकाल दिए। अब इसके अलावा एक और भी फॉर्मूला है कि मैं इसको काउंट के लिए मैं से कोई भी नंबर ले लूं, इसकी रैंक क्या है, इसकी रैंक क्या है, सिक्स है इसके अंदर, इसकी रैंक क्या है। रैंक मतलब जैसे निकाला ना फर्स्ट स्टार, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये इसकी रैंक हो जाती है, तो फिफ्थ लार्जेस्ट है तो फिफ्थ रैंक हो जाती है, यही जब स्मॉल में चलेंगे तो अलग होगी। ठीक है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं, रैंक को बढ़ा लेते हैं, हम इसको पूरे तक के दिखा लेते हैं, फॉर्मूला ड्रैग कर देता हूँ ताकि हमें पता पड़े कि यहाँ पे 56 फिफ्थ पे है लार्जेस्ट में, तो 56 नाइन्थ पे है स्मॉलेस्ट में। इसी तरह से रैंक का फॉर्मूला होता है जैसे मैंने बताया, रैंक का फॉर्मूला लगाएंगे, रैंक में पहला तो नंबर, रेफरेंस, रेफरेंस में हम क्या देंगे, ये पूरी लिस्ट देंगे, देन ऑर्डर, ऑर्डर में पूछ रहा है जीरो डिसेंडिंग के लिए, वन असेंडिंग के लिए, अगर आप जीरो दे देंगे तो क्या दिखा रहा है, फाइव, यानी लार्जेस्ट के लिए आपको जीरो देना पड़ेगा और स्मॉलेस्ट के लिए वन देना पड़ेगा। अगर मैं इसी की जगह वन कर दूं तो मुझे क्या दिखाएगा, नाइन, नाइन। ठीक है,
इस तरह से हम इस फॉर्मूले को कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको इसमें हल्का सा ऑटोमेटिक जो आपके कभी डैशबोर्ड्स वगैरह में काम आएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ एंट्री कर रहा हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 1 या 0, 1 या 0 या ट्रू फॉल्स कर देता हूँ, ट्रू फॉल्स कर देता हूँ, ये आसान रहेगा। अब यहाँ मेरा वो डेटा है, अब ट्रू फॉल्स नहीं करते, 1 2 में कर देते, 1 2 में ज्यादा आसान हो जाते, 1 और 2, ठीक है, 1 लार्ज के लिए सभी करने के लिए। मैंने आपको एक क्यूब का फंक्शन बताया था, ठीक है, जिसका इंडेक्स नंबर मैं यहाँ से लेता हूँ। अब इंडेक्स नंबर के अंदर आपको पता है कि इंडेक्स नंबर से वैल्यू लेने की बात हुई, अब मैं वैल्यू की जगह ये फॉर्मूले लगा, 1 पे मैं लगा दूंगा लार्ज वाले, लार्ज का फॉर्मूला लगा दिया, इनको पहले मैं एकदम कर डाल ताकि ये हिले ना अपनी जगह से, और के पोजीशन मैं लूंगा यहीं से, फर्स्ट स्मॉलेस्ट सेकंड स्मॉलेस्ट यहीं से, एक तो हो गया लार्ज का फॉर्मूला, अगर एक है तो सर ये मेरी स्क्रीन बीच, सॉरी टू आपको बीच में बोल रहा हूँ मैं, मेरी स्क्रीन बीच में रुक रही है सर, सभी के साथ है खाली मेरे साथ है, और सभी की सही चल रही है, हाँ जी सर जी सही चल रही है, सही चल रही है सर, नेट कनेक्शन में भी स्लो हो सकता है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें हमने पहले वैल्यू में क्या लगाया, वैल्यू 1 में लार्ज का फॉर्मूला लगाया, और वैल्यू 2 में क्या लगाया मैंने, स्मॉल का फॉर्मूला लगाया, ठीक है जी। बेसिकली क्या होने वाला है इसमें, अब यहां 1 है तो ये लार्ज में दिखा रहा है, ठीक है जी, जैसे 2 में बदल दूंगा स्मॉलेस्ट में बदल जाएगा, ठीक है जी। अब यहां इस रिजल्ट को मैं फॉर्मूले पे चला सकता हूं, मान लीजिए यहां पे अगर मैंने लिस्ट दे दिया डेटा वैलिडेशन से, लिस्ट में कर दिया मैंने, पहले कर दिया डिसेंडिंग और फिर असेंडिंग, ठीक है जी, 2 वैल्यूज दे दी इसके अंदर, और मैं इस वैल्यू को कंट्रोल कर दूंगा इससे, इफ यहां पे डिसेंडिंग हो इक्वल टू डिसेंडिंग, तो क्या दिखा है यहाँ पे, 1 दिखा है, मैंने 2 ही वैल्यू दिए तो दूसरे का मुझे देने की जरूरत नहीं, तो 1 दिखा है, अदरवाइज 2 दिखा है, ठीक है जी, करना चाहूं तो और भी कर सकता हूँ पर इतना करते हैं। अब यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, जरूरत नहीं मुझे देखने की, इनको भी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी, इतना सा है जो मेरी मान लीजिए सेल्स है, और मैंने सॉर्टिंग का आपको साथ में दे दिया, असेंडिंग किया असेंडिंग बदल गया, डिसेंडिंग किया डिसेंडिंग बदल गया, है ना सर। अभी तो मैं खाली सारे चीजें आपको ये खाली लिस्ट बॉक्स पे करवा के दिखा रहा हूँ, मतलब ये डेटा वैलिडेशन से, बाद में जब हम कंट्रोल यूज करेंगे ना तो कंट्रोल से ये सारी चीजें कंट्रोल होंगी, यहाँ पे जो हमारे इंसर्ट में डेवलपर में ये फॉर्म कंट्रोल्स होते हैं ना, इनके लिए कोई VBA कोड नहीं चाहिए होता है, इसी तरह से ही चलते हैं सारे लिंक के बेसिस पे फॉर्मूला से, ठीक है जी, तो उस कंट्रोल्स को यूज कर पाएंगे और ये सारे काम आप इन्हीं फॉर्मूले से करा लिए, तो स्पेशल फॉर्मूला की प्रैक्टिस करें जो जो मैं बताता जा रहा हूँ। अभी मैंने लास्ट आपको रैंक का फॉर्मूला बताया जिसको मैंने चूज के साथ यूज किया, ठीक है, ऐसे आपको हिंट्स जो है नेट पे भी बहुत मिल जाएंगे, देन आगे देखते हैं अपने फॉर्मूला में और देखते हैं कोई काम का फॉर्मूला इसमें से निकला है। तो वैसे
इसमें इतने ही होते हैं, अपर लोअर प्रॉपर का तो मैंने बताया था, ये अपने टेक्स्ट में फॉर्मूला है, जैसे आपको अपर करना है केस बदलने हैं अपर लोअर प्रॉपर के, मैं बस एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ, अपर लोअर में लोअर कर देता है और प्रॉपर में पहला वाला जो वर्ड है उस पहला करेक्टर बड़ा कर देता, ठीक है जी। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है, ये स्पेशल के हैं पर फिर भी बता देता हूँ क्योंकि नाम हमारे जाने पहचाने, फोरकास्ट, ठीक है। मैं दो चीजों की एंट्री करता हूँ यहाँ पे, क्वांटिटी और रेट, या कुछ भी सेल्स कर सकते हैं कि जब इतने क्वांटिटी बिकी थी तो इतनी सेल्स हुई थी, कोई भी नंबर जहां मैं फोरकास्ट करने हो कि इस दिन इतना तापमान रहा था, उस दिन इतना तापमान रहा था, तो फोरकास्टिंग जो करते हैं ट्रेंड बिटवीन, कोई नंबर्स वैसे ही ले लेते हैं। अब जैसे कंपनी में सेल्स टारगेट होता है ना, तो जितनी पिछले 10 साल की सेल देखते हुए अगले 2 साल की प्रोजेक्शन कर देते हैं या अगले 5 साल की कर देते हैं कि क्या होगा, ठीक है। तो मैं कुछ नंबर्स दे रहा हूं कि इतनी इतनी क्वांटिटी रहेगी लगभग, ठीक है जी, हर साल। तो इसके बेस पे फॉरकास्ट का फॉर्मूला, फॉरकास्ट में कुछ नहीं है, पहले आपको किसका निकालना है और फिर पिछला जो 10 साल का डेटा है वो किस तरह से दे दिया, नोन वाइज एक्स आपने देना है, फिर नोन वाइज वाई यहां से दे दिया, फिर नोन एक्स जो एक्स थे पिछले वो दे दिया। ये आपको जैसे एवरेज बेसिस पे नहीं होता, उसी हिसाब से आपको फोरकास्ट निकाल के दे देगा कि अगला क्या हो सकता है। इसका आप लोग कहाँ यूज करेंगे ये भी नहीं पता, हालांकि मैंने भी कहीं यूज नहीं किया इसका। एक जैसे मिनिमम मैक्सिमम होता है, अब इसमें से कई बार सवाल आ जाता है कि बीच का निकालना, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है मेडियन होता है, मेडियन यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे, बीच का निकाल देता है, ठीक है। इसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशंस भी होती हैं, तो जिसको आती है निकाल एसटीडी, ये स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं इसे, किसी ने अगर स्टैटिक्स पढ़ी है तो वो निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। हर चीज का इसमें नाम से फॉर्मूला है। इसी तरह इंजीनियरिंग को बिल्कुल कवर नहीं करेंगे क्योंकि इंजीनियरिंग में सारे वो हेक्स डेसिमल और वो पता नहीं चलता, ठीक है। क्यूब क्यूब इसका भी कोई लेना देना नहीं है हमसे, आगे देखते हैं। स्टैटिकल फॉर्मूले के बाद हम चलते हैं अपने इंफॉर्मेशन फॉर्मूले पे, ठीक है। ये बहुत काम के फॉर्मूले, इनका मोस्टली काम जब भी आप ऑटोमेशन करने लगेंगे तब मिलेगा आपको, और इनमें से कौन सा फॉर्मूला कब काम आ जाए आपको खुद भी नहीं पता, ठीक है। पहला जो है सेल का फॉर्मूला है, सेल, अब सेल के इतने सारे पार्ट हैं, एड्रेस, कॉलम, कलर, ठीक है जी। अगर एड्रेस करूं, देखिए इसमें दो पैरामीटर हैं, पहला तो ये खुद आपको लिस्ट दिखा देता है, दूसरा रेफरेंस, अगर आप रेफरेंस चूज करते हैं तो उस रेफरेंस की बताएगा, नहीं चूज करते हैं तो जिस सेल में आपने फॉर्मूला लगाया उसका बताएगा, ठीक है। तो ये एड्रेस का फॉर्मूला एड्रेस बना के दे रहा है आपको किसी रेफरेंस का, ठीक है जी। इस एड्रेस का आप क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्ट से यूज कर सकते हैं, इनडायरेक्ट से मैंने बताया था कि आपका किसी भी टेक्स्ट
को वो एड्रेस में बदल सकता है। ठीक है, अब डी टू में अगर मैं कुछ लिखूं तो यहाँ क्लियर होगा। तो इनडायरेक्ट ऐसे टेक्स्ट को रियल एड्रेसेस में बदलने में काम आता है। ठीक है जी, तो सेल में एड्रेस का है ये भी किसी, और देखते हैं सेल में कॉलम कौन सा कॉलम है। ठीक है जी, ये फॉर्मूला कॉलम का अपने पास वैसे भी है, पर ये सेल का फॉर्मूला भी चलता है, इस पर साला एक जैसा चल रहा है, यहां लगाते हैं सेल। ठीक है जी, तो जिस कॉलम में होगा लगा होगा उसका रिजल्ट दे देगा। देन कलर, पर कलर ये वो वाला कलर नहीं है जो हम नॉर्मली जानते हैं कि फॉन्ट कलर या सेल कलर, वो नहीं है। कलर कौन सा वाला है दिखा देता हूँ आपको, कोई रेफरेंस देता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ। अभी जीरो दिखा रहा है, यहां से नॉर्मली कलर चेंज करूंगा तो इसका कुछ नहीं होना। यहां पे अगर मैं करता हूं माइनस वाली, अब मैंने दिखाया था ना नेगेटिव नंबर्स में, और वो ये वाले ख्याल से इसमें पकड़ता हूं। ठीक है, तो इसमें ये वन दिखा रहा है। ठीक है, ये नेगेटिव नंबर्स को वो करने के लिए, ट्रैक करने के लिए जिनका कलर चेंज हुआ है उनके लिए। इसी तरह के बहुत सारे इसमें सेल से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन, कंटेंट कंटेंट किस किस टाइप का है। कंटेंट अच्छा, अपनी सेल पे नहीं लगता वो, तो रेफरेंस देना पड़ेगा। उसका जो भी कंटेंट होगा वो आपको दिखा देगा, जैसे इसका क्या कंटेंट है, कंटेंट इन द सेंस जो भी इसमें लिखा होगा वो आपका कंटेंट दिखा देगा। तो भी इसमें जो वैल्यू आ रही है वो आपका कंटेंट हो जाता है सेल का नॉर्मली, जैसे इक्वल टू से भी आ जाते। देन इसके बाद है आपका, इसको छोड़ते हैं, फाइल नेम, जो फाइल का नाम है वो आ जाएगा पूरा। इस फाइल का क्या नाम है, अभी कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि ये फाइल सेव नहीं है। इसको अगर मैं सेव कर लूं, इसको कर लेता हूँ इनको, तब ये फाइल नेम आ गया। यहाँ क्या था, चलिए इसी से जुड़ा हुआ। देन फॉर्मेट, किसी भी सेल में जो फॉर्मेट अप्लाइड होगा, जैसे जनरल के लिए, जनरल न्यूमेरिक के लिए अलग आता है, जैसे मान लीजिए सामने वाला फॉर्मेट ले लूं, तो अभी जनरल बता रहा है, इसको अगर मैं न्यूमेरिक में कर दूं तो यहाँ कुछ और दिखा रहा है। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि किसका क्या दिखा रहा है, इनमें सेल इन इंफॉर्मेशन फॉर्मूला में सबसे बड़ी बात है कि वैल्यूज दिखा क्या रहा है। तो आप यहाँ से आप इधर एफएक्स में जाएंगे, हेल्प ऑन दिस फंक्शन में जाएंगे, तो होल लिस्ट आपको मिल जाएगी कि इसका मतलब क्या है। ठीक है जी, कलर का जो था वन इफ द सेल इज फॉर्मेटेड इन फॉर नेगेटिव कंटेंट। ठीक है जी, अपर लेफ्ट सेल में इन द रेफरेंस नॉट अ फॉर्मूला, जो भी होगा फॉर्मूला नहीं कॉपी करेगा, वो कर देगा। कोऑर्डिनेट एब्सोल्यूट रेफरेंस ऑफ द सेल फर्स्ट, ये तो अभी आपको सेम सा ही लगेगा, एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव, क्योंकि रिलेटिव हमने कर नहीं रखा। ठीक है, फाइल नेम दे देगा,
फॉर्मेट में क्या देगा, इसमें भी अजीब से साइन देगा, टेक्स्ट वैल्यूज फ्रॉम वेरियस फॉर्मेट रिटर्न्स हाइफन एट द एंड ऑफ टेक्स्ट वैल्यू। ठीक है जी, टेक्स्ट हो तो हाइफन लिखाएगा, नेगेटिव, अच्छा नेगेटिव कलर, रिटर्न्स पैरेंथेसिस एट द एंड ऑफ टेक्स्ट वैल्यू ऑफ सेल इज फॉर्मेटेड विद पैरेंथेसिस। ये भी वही नेगेटिव नंबर का चक्कर है, एक जगह जहां अगर वो नेगेटिव नंबर्स में होगा तो माइनस दिखाएगा, और अगर ब्रैकेट वाला सिस्टम हमने सिलेक्ट कर रखा होगा नेगेटिव नंबर्स में तो ये पैरेंथेसिस दिखाएगा। ठीक है जी, ये भी उसी के लिए है, पैरेंथेसिस वन अगर पैरेंथेसिस वाला दे रखा होगा नेगेटिव नंबर्स तो। ठीक है जी, तो इसी तरह के हैं इसमें कुछ, जैसे आपका सेल लॉक्ड है कि नहीं, प्रोटेक्शन है कि नहीं, तो ये प्रोटेक्ट आप डाल सकते हैं, जीरो इफ द सेल इज नॉट लॉक्ड, मतलब लॉक्ड है तो वन दिखाएगा, नहीं है तो जीरो दिखाएगा, और रो नंबर, विड्थ जो है कॉलम विड्थ, ठीक है जी, कॉलम की टोटल विड्थ कितनी है। ठीक है जी, टेक्स्ट डेटा टाइप क्या पड़ा हुआ है उसके अंदर, बी ब्लैंक के लिए दिखाएगा। ठीक है जी, एल दिखाएगा जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेबल मतलब, और बी अगर नंबर वगैरह पड़ा होता है तो। ठीक है जी, इस तरह से इसमें कुछ रेफरेंस टाइप्स है। देखिए सेल का मैंने यूज कहाँ किया था, एक्चुअली यूज कहाँ किया था इसका, वैसे अभी देखने में तो लगता है कहीं यूज नहीं है, बट एक बार ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी जहां मुझे इसका यूज करना पड़ गया था। उनका ये कहना था कि जैसे यहाँ पे एक डेसिमल में वैल्यू है, ठीक है जी, ठीक है, यहाँ एक अलग डेसिमल में वैल्यू, कोई तीन डेसिमल में, कोई चार डेसिमल में, कोई, अब इन वैल्यूज में क्या था इसका, मैं क्या करता हूँ यहां से डेसिमल गायब कर देता हूँ। ठीक है, ये एक गायब कर दिया, इसका भी मैंने एक गायब कर दिया, और इसका भी मैंने एक गायब कर दिया। ठीक है, तो ये वैल्यू थी वो हजारों में थी, कई हजारों में। अब क्या है कि उन्होंने कहा कि जो ये ऊपर दिख रहा है ना, ये वाली वैल्यू चाहिए, तो पीछे आ रही है वो नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप सम करते हैं तो ये जो ऊपर दिख रही है इस वैल्यू से नहीं, जो पीछे वाली वैल्यू होती है उससे सम होता है। ठीक है, क्योंकि ये राउंड करके दिखाता है, पर जब आप अगर आपके पास लाखों वैल्यूज हो तो ये पॉइंट का भी फर्क पड़ जाता है, और उनमें कई हजारों का फर्क आ रहा है, तो इसलिए उन्होंने कहा मेरे से कि जो हमें ऊपर वैल्यू दिख रही है सिर्फ वही चाहिए। मैंने कहा यार ये तो बड़ा पंगा है, कैसे होगा। मैंने क्या किया, सेल का फॉर्मूला लगाया, और ये फॉर्मेट वाला, ठीक है, फॉर्मेट वाला रेफरेंस सिलेक्ट किया। यहां मेरी प्रॉब्लम का हल मुझे मिल गया था कि जो ये ऊपर दिखा रहा है ना, वो एक्चुअली कौन से नंबर फॉर्मेटिंग का हिस्सा है। F2 का मतलब था कि नंबर फॉर्मेटिंग में दो डेसिमल है, F3 का मतलब था तीन डेसिमल है, और F1 का मतलब है वन डेसिमल है, यही था। अब मुझे क्या करना था, सिंपल सी बात है, राउंड ही करना था मुझे दिखाई देने के लिए, तो सबसे पहले इसे F से अलग करना था। मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला लगाया, टेक्स्ट ओल्ड टेक्स्ट F, न्यू टेक्स्ट में ब्लैंक ले ली, अब अलग हो गया मेरा, ये F की जगह ब्लैंक से रिप्लेस कर दिया तो काम हो गया। फिर मैंने क्या करना था, राउंड का फंक्शन लगा देना, ये वैल्यू में कितने डिजिट तक राउंड करे, कितने डिजिट तक राउंड करे, ये राउंड कर दिया, ये वैल्यू हो गई। अब यहां पे आपको अलग दिखा सकता है, पर इसको जहां पेस्ट एज वैल्यूज करूंगा वहां मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि तो यहां आगे भी यही वैल्यू है, पीछे भी यही वैल्यू है। तो इसका मैंने एक फॉर्मूला बना के उन्हें दे दिया था कि मैंने अपने सामने पेस्ट करना और ड्रैग कर देना। एक फॉर्मूला भी बना देता हूं इसको,
एक्सेल से यहाँ पे कॉपी किया और इसमें यहाँ पे मैंने इसको यूज किया, वहां पे ये फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट वाला फॉर्मूला पूरा कॉपी किया सब्स्टिट्यूट, और यहाँ पे यहाँ मैंने ये ले रखा है सी के, यहाँ पेस्ट कर दिया। तो ये मेरा हो गया सिंगल वैल्यू फॉर्मूला। ठीक है, बस मैंने यही फॉर्मूला उठा के उन्हें दे दिया, मैंने कहा इससे आपका काम हो जाएगा, इसको कॉपी करो और कहीं भी पेस्ट एज वैल्यूज कर दो, या फिर डायरेक्ट भी टोटल करेंगे तो सही आएगा क्योंकि तो पीछे की वैल्यूज वही हो चुकी है। ठीक है, तो कोई भी फॉर्मूला कहीं भी काम आ सकता है, ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे है, क्योंकि ये वाली अगर आप गूगल पे टाइप करके देखना चाहें ना तो गूगल पे भी आपको इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा, इसका सोल्यूशन कहीं भी नहीं था, इसलिए मुझे अपना दिमाग दौड़ाना पड़ा था उस टाइम। देन है एरर टाइप, एरर टाइप जो है आपको एरर के टाइप बताता है कि किस किस तरह की एरर है। मैं यहां से कोई एरर दे देता हूं, अभी तो कोई एरर नहीं, खुद को एरर आ जाए तो ये मतलब खुद कुछ ना मिले तो वो खुद एक एरर दे देता है। मान लीजिए यहाँ वही एन ए वाली एरर आ जाती है जो यहाँ आई हुई है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 7 कोड है इसके। और यहाँ अगर मैं कोई डिजिट को डिवाइड बाय 0 वाली एरर आती है 2। ठीक है, कोई फॉर्मूला लिखना चाह रहा हूँ, पूरा नहीं लिखा है, नेम की एरर। ठीक है, तो इस तरह की एरर के लिए इसके पास अपने कोड है, वो देगा, और उस कोड को आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या है। तो ये है एरर, नल के लिए 1 देता है, डिवाइड बाय 0 के लिए 2 देता है, वैल्यू के लिए 3, रिप के लिए 4, इस तरह की। और इसके अलावा कोई भी आती है तो ये खुद एक एरर दे देता है, हैश एंड। ठीक है जी, देन आगे देखते हैं इसमें इन्फो, जैसे हमारा सेल का फंक्शन था उसी तरह से हमारा इन्फो का फंक्शन है। इन्फो में आपके कुछ पैरामीटर्स हैं, तो किस जगह ये सेव है वो आपकी इंफॉर्मेशन दे देता है। और इसमें उस तरह से जैसे इसमें आपको रेफरेंस दिखा रहा था, इसमें नहीं दिखा था, इसमें आपको इनवर्टेड कॉमास के अंदर ही आपको देना पड़ता है। तो इसको यूज करने के लिए बेटर है हेल्प ऑन दिस फंक्शन से देख लें कि क्या क्या चीजें इसमें जा सकती है। डायरेक्टरी है, करंट डायरेक्टरी जहां पे भी सेव होगा वो दिखा देगा। ठीक है जी, नम फाइल, नंबर ऑफ एक्टिव वर्कशीट इन द ओपन वर्कबुक, एक्टिव वर्कशीट हमेशा एक ही होती है, तो मतलब जितने भी जैसे 2 फाइलें हैं उसमें एक फाइल ये खुली है तो ये एक्टिव वर्कशीट हो गई, दूसरी फाइल है उसमें शीट 1 ऐसे ही एक्टिवेटेड है, तो वो उतनी काउंट करके बता देगा कितनी फाइलें खुली कितनी एक्टिव वर्कशीट। ठीक है, ओरिजिन, ओरिजिन क्या देता है आपको, जैसे हम इसमें देखते हैं, फॉर्मूले में देख लेते हैं। अभी जैसे A1 यहाँ पे है, इनको ये बता रहा है A1। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा अब यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, D दिख रहा है ना, इसको वापस कैलकुलेट कर लेते हैं, ये दिखा रहा है D1। ठीक है, जो भी आपकी लास्ट विजिबल होगी ना, फर्स्ट विजिबल जो सेल होगी उसका एड्रेस दे देगा यहाँ पे। ठीक है, इसी फॉर्मेट में इसी की तरह से सर कुछ आपकी वो दिक्कत हो सकती है नेट की है और कोई। ओके सर, OS वर्जन,
ओएस वर्जन क्या करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन दे देता है। ओके ओके, ओएस वर्जन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन। वीकैल्क, वीकैल्क जो होता है आपके ये जो कैलकुलेशन ऑप्शन है वो किस पे सेट है, ऑटोमेटिक पे है, मैनुअल पे है, किस पे सेट है, ये आपको दे देगा, ठीक है जी। देन रिलीज, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कौन सा वर्जन है, जैसे 2007 है ना, तो ये इसमें रिलीज में 11-12 करके देता है, ठीक है जी। इस तरह से सिस्टम, सिस्टम में आपको बताएगा कि आपका माइक्रोसॉफ्ट फैमिली का मतलब विंडोज 7, एक्सपी, विस्ता, ये सब डाली है तो अब पीसी डॉस दिखाएगा, अगर एप्पल के सिस्टम है तो मैक दिखाएगा, ठीक है, ये रिटर्न करेगा। तो इन्फो में इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है आपके, ये सब ऑटोमेशन के लिए यूज होती है क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन हम मोस्टली वीबीए से जान पाते हैं, तो कई बार फॉर्मूला से हमें ये काम कराना भी ये नहीं आती है, तो फॉर्मूले काफी हद तक इसमें मदद कर देते हैं। इज ब्लैंक, अब उसके बाद ये सारे इज वाले फंक्शंस जो हैं वो ट्रू फॉल्स में रिजल्ट देते हैं। इज ब्लैंक का मतलब है कि ये ब्लैंक है कि नहीं, इज ब्लैंक, ठीक है जी, तो ये ब्लैंक है, ट्रू आ गया। इसी तरह से इसका इज एरर है, यहाँ पे एरर है कि नहीं, कोई एरर नहीं, मान लीजिए कोई एरर होती अब, हाँ अभी हमने क्या चूज किया था, इज ई आर आर और इज एरर, दो तरह के फंक्शन, एक क्या है, एक हैश एन एरर को जानता है, एक नहीं जानता है, ठीक है जी। अगर इसकी जगह कोई और एरर होती नहीं तो ये थ्रू कर देता, तो हैश एन एरर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, इज आर आर उसको छोड़ के बाकी सारी पे थ्रू देगा ये, ठीक है जी। बाकी वो इंक्लूडेड हैश एन इस एरर से चेक कर सकते हैं। देन उसके बाद इज इवन, इज इवन मतलब जैसे कुछ नंबर हैं तो हमने इवन ऑड करे थे, तो उसी तरह से इज इवन और इज ऑड है, ये आपको बताते हैं कि ये इवन है कि नहीं, ऑड है कि नहीं, यहाँ पे मैं दे देता हूँ, ट्रू फॉल्स में रिजल्ट दे देंगे, ठीक है। इसी तरह से इज ऑड है, ठीक है। इज लॉजिकल, इज लॉजिकल मतलब वैल्यू जो है बुलियन है कि नहीं, ट्रू फॉल्स में है कि नहीं, इज लॉजिकल, ट्रू फॉल्स, तो ट्रू में है तो ट्रू दे देगा, फॉल्स हो और अगर यहाँ पे कोई नंबर लिखा होता तो फॉल्स दे देता, ट्रू फॉल्स को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू के लिए फॉल्स दे देता। और देखते हैं इस वाले और कितने फंक्शन, इस एनए, इस एनए एक सेपरेट है, ये जो हैश एनए वाली अपनी एरर होती है ये मोस्टली आपको इसका पाला पड़ेगा वी लुकअप में, ठीक है। तो इस एनए पता लगाना है तो ये इससे पता पड़ेगा आपको। अब ये लगा लीजिए कि इज एन एरर जो है, जो वैल्यू इफ एरर का हम फॉर्मूला यूज करते हैं ना, तो इफ और इज एन ए का कॉम्बिनेशन है वो इफ एरर, ठीक है जी। वही फॉर्मूला आप इनसे भी बना सकते हैं इफ या एरर का यूज करके, ट्रू फॉल्स पे ही सारा इफ खेलता है, तो यहां पे इफ के लिए ही है सारे फॉर्मूले, ये इज वाले, उसके अलावा कहीं यूज नहीं होता इसका। इज नॉन टेक्स्ट, क्या ये टेक्स्ट है कि नहीं, नॉन टेक्स्ट मतलब जैसे यहाँ पे टेक्स्ट ना लिखा हो, फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला हो या नंबर हो, इस तरह का, ठीक है। देन इज ऑड, इज रेफ, इज रेफ का वैसे प्रैक्टिकली कोई यूज नहीं है, इज रेफ ये रेफरेंस है कि नहीं, अब मैं दे रहा हूँ एड्रेस ही दे रहा हूँ, ठीक है जी, एड्रेस दे रहा हूँ तो वो बताएगा हाँ एड्रेस है, ट्रू है, इसकी जगह अगर टेक्स्ट दूंगा तो नहीं बताएगा, ये टेक्स्ट में दे रहा हूँ, फॉल्स दिखाएगा, इसी की जगह इस टेक्स्ट को इनडायरेक्ट में कर दूंगा तो ये एड्रेस में बदल देता है,
ये जी अब ट्रू दिखाया, तो इसका यूज भी ऐसा ही है, कहाँ करना है नहीं करना कोई पता। अभी टेक्स्ट है कि नहीं, ये हमारा टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट इस नॉन टेक्स्ट था या इस टेक्स्ट है, क्या टेक्स्ट है कि नहीं, तो ट्रू फॉल्स में लगा था, फॉल्स है टेक्स्ट नहीं, लॉजिकल वैल्यू है, ठीक है। इसके बाद अपना जो आता है इसमें एन एन ए जो है वही एन ए एरर लगाने के लिए, ठीक है, ये एन ए जो एरर आ रही है वो एन ए का फॉर्मूला। एन जो है मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था कि जैसे बीच में यहाँ पे आपके पास नंबर पड़े हैं और टेक्स्ट पड़े हैं, तो नंबर अलग करने के लिए टेक्स्ट अलग करने के लिए, नंबर अलग करने के लिए एन का फॉर्मूला था, ठीक है, जहाँ टेक्स्ट होगा वहां जीरो दिखाएगा, और टेक्स्ट अलग करने के लिए टी का फॉर्मूला था, जहां नंबर होंगे वहां ब्लैंक दिखाएगा। तो टी देन टाइप, टाइप का फॉर्मूला ये आपकी इसमें आ रही है कि जो भी होगा नंबर के लिए एक दिखाएगा, टेक्स्ट के लिए दो दिखाएगा, ट्रू फॉल्स होगा लॉजिकल वैल्यू तो चार दिखाएगा, एरर होगी तो 16 दिखाएगा, एरे होगा तो 64 दिखाएगा, ठीक है जी। जैसे हमने लॉजिकल के लिए देखा तो चार दिखाएगा, ठीक है जी। तो ये थे अपने इंफॉर्मेशन और एरे फंक्शन, इंफॉर्मेशन और अपना स्टैटिकल फंक्शन। अब इसके बाद हम करेंगे फाइनेंशियल कल में, और फिर उसी से प्रोसीड होंगे एरे पे, ठीक है जी। बीच में थोड़े से डेटाबेस फंक्शन भी देख लेंगे, वो ज्यादा नहीं है, एक ही पैटर्न में कल देखेंगे, ठीक है सर।